सुमित्रा सिंह है। आपकी इस संस्था द्वारा जो इनाम पर प्राइस में आपका बच्चा है जी, वो क्लास पढ़ता है? फोर क्लास के लिए और टू क्लास के लिए। आप ही बताइए कि ये जो बैग पढ़ रहा है, ठीक है ना जी, क्या प्रेरणा देते हैं, क्या सिखाते हैं ताकि ये बच्चे और आगे बढ़े, क्या सिखाएंगे आप आगे बढ़ने के लिए? हम बच्चों को प्रेरणा देंगे कि वो आगे बढ़ें और अच्छे कामयाब इंसान बने और अपने देश और अपने परिवार और अपने कलीसिया और चर्च के नाम को रोशन करें। आपका नाम? राज सिंह कल्पो। अच्छा जी, बताइए जो बच्चों को पढ़ रहा है जी, आप कैसा सर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी ये जीवित आशा सेवा संस्थान के द्वारा बढ़ जा रहा है। बताइए बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे कि सर बैग लेकर वो अच्छे से जाएं और पढ़ें और अच्छा कामयाबी का है। आप क्या करते हैं? मैं एक प्यून हूँ सर, आदिवासी बालक आश्रम दीवानी बांध के। आप क्या चाहेंगे आपके बच्चों की पढ़ाई को बढ़ने के? हमारे बच्चे को चाहेंगे कि वो अच्छे से पढ़ें और हमारे देश का नाम करें और हमारे राज्य का भी नाम करें और हमारे कस्बे का भी नाम करें। से ये सुरमी गांव का लगा सर जी। कोरिय जिले के। क्या नाम है आपका? रुबेन खलखो। सलका। पांचवी। आपके पापा का नाम? मैन प्रसाद। आप बताओ ये जो इनाम बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है? हाँ, मैचेस पढ़ने पाऊँ और अच्छे से नाम लाने करने के चलते तुमको इनाम मिल रहा है। बड़े होकर क्या करोगे? पुलिस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर? क्या बनोगे? डॉक्टर। अच्छा बनोगे? हाँ। अच्छा बताओ सबसे अच्छा चीज आप क्या लगता है, खाना में क्या लगता है, खेत में क्या क्या अच्छा लगता है? खेत कुछ अच्छा लगता है? खेत में कौन सा खेल अच्छा पसंद है? सर ये बताइए ये जो बच्चों को इनाम बांटा जा रहा है ये किस संस्था द्वारा बांटा जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है, क्या वजह है? जी मैं गुरुदयाल सिंह मरावी अध्यक्ष जीवित आशा सेवा संस्थान और ये कार्यक्रम जो है बच्चों को बांटने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो पुअर परिवार से आते हैं ऐसे बच्चे लोगों को ये बैग बांट कर उनको उत्साहित करना चाहते हैं और ताकि ये अपने पढ़ाई में आगे बढ़ें और स्कूल की ओर आगे बढ़ें और आगे चलकर ये बच्चे अच्छे कामयाबी की ओर आगे बढ़ने पाए। ये बताइए ये बैग बांटा जा रहा है कि इसके पहले भी आप संस्था के द्वारा कुछ बांटे क्या? जी संस्था के द्वारा हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाए हैं जो पटना छिंदिया चौक में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाए हैं जी। ये इसके अलावा सलवा सलका जो गाँव फैलाता है इसके अलावा और भी कौन से क्षेत्र में आप ये काम कर रहे हैं संस्था के द्वारा? जी संस्था के द्वारा अभी हम लोग स्वास्थ्य शिविर के संबंध में काम कर रहे हैं जो बैकुंठपुर बुढ़ार क्षेत्र में है और अभी ये बैग वितरण हो रहा है, इसके बाद ब्लड शिविर का भी कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, ये हमारा अभी प्लान है। जी आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है अपने पढ़ाई के लिए ध्यान दें और माता पिता अपने बच्चों को उत्साहित करें और बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वो आगे आएं और हमारी संस्था के द्वारा यही है कि हम हर पिछड़े क्षेत्रों में जाकर बच्चों को अपने छोटा छोटा इस तरह के उत्साहित कार्यक्रम करके बच्चों को स्कूल भेजने का काम, उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करने का काम इस संस्था के द्वारा हम करना चाहते हैं और इस न्यूज के द्वारा भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चे घर में ना रहें पर स्कूल की ओर आगे बढ़ें और पढ़ लिख कर कामयाबी बने और हमारे राज्य और देश के लिए काम आने।